हेलो एवरीवन। तो आज हम बताएंगे कि ये पिजन ब्रांड का चॉपर है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए धागा ये इस तरह से खुल गया है, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए रिपेयर करने से पहले हम जान लेते हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आपको कोई भी आके घर में चाकू है या फिर स्क्रू ड्राइवर है तो उसकी मदद आप ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए ये पिजन ब्रांड का शॉपर है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो ओपन करने के बाद ही पता चलेगी। तो देख सकते हैं आप इधर ग्रू है, तो इस ग्रू को ऐसे ओपन कर लेते हैं। दो तीन ग्रू है साइड में, तो देख लीजिए ये हमने ओपन कर लिया है। तो इसमें एक इस तरह का पोजीशन है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इसको क्या क्या पार्ट्स है, तो ये दो पार्ट्स है। तो इसमें देख सकते हैं आप स्प्रिंग इस तरह से खुल गई है, देख सकते हैं इसमें ये पार्ट्स टूट गया। तो मैं एक दूसरा शॉपर भी है मेरे पास, तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कहाँ से टूटा हुआ पार्ट्स है। तो अगर ये पार्ट्स टूट गया तो आपको शॉप पे ही जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से ही ये नया मिलेगा। एंड अदरवाइज़ ये ओके है, तो मैं कैसे स्प्रिंग फिट करते हैं वो भी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये का ये मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ उसको, ये देख लीजिए नया इस तरह से फिटिंग है। अगर आपको ये बटन गिर गया अंदर तो इसको इस तरह से ग्रू आता है, तो ये नीचे की तरफ रखना है आपको। अगर आपका ये सिर्फ यही प्रॉब्लम है और अंदर का स्प्रिंग ठीक है, तो ऐसा रख के इसके ऊपर रख के आप फिटिंग करना है, तो सिंपली आपका रिपेयर हो जाएगा शॉप पर। अगर स्प्रिंग का प्रॉब्लम है तो स्प्रिंग इसको हम रिमूव कर देंगे ऐसे ही। देख सकते हैं इसमें टूटा था, जो जो पार्ट्स टूटा था वो ये वाला पार्ट्स था, देख लीजिए। तो अभी ये जो पार्ट्स है ये इसमें फिटिंग करेंगे, और स्प्रिंग कैसे फिट करते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपका धागा टूट भी जाए इस तरह से पोजीशन में आ जाए तो इसको अच्छे से आपको कट करना है। देख लीजिए जैसे कि ये टूट गया है, मैं इसको तोड़ देता हूँ। ये जैसे कि इधर से टूट गया है धागा, तो इसको मैच बॉक्स की मदद से हम इसको थोड़ा जलाएंगे। अगर आपको इस तरह से धागा टूट भी जाता है तो इसको इस तरह से अंदर डाल के इस तरह से ले लेंगे, और उसके बाद इसको गांठ बांध देंगे इधर से, एकदम छोटा गांठ इस तरह से, एकदम छोटा गांठ। फिर उसको हल्के से जला देंगे मास बॉक्स से नॉर्मल। बस ताकि ये गांठ खुले ना, एकदम इसको खींच खींच के तरह से बना ले। एंड आप देख सकते हैं अभी ये खींचने पर भी नहीं आएगा बाहर। तो आप देख सकते हैं ये मैं अभी स्प्रिंग को मैं ठीक बिठा दूंगा, कैसे बिठाना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा बाहर खींचना है, तो इस पोजीशन को
तो आप देख सकते हैं जहाँ से ये हॉल है वहाँ पर इसको ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना इसको बिठाना है, आप इसको बिठाना है ऐसा अंदर इस तरह से बिठाना उसको, इस तरह बिठा के फिर आपके दोनों हाथ काम करना चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग सूख जाएगा, बहुत स्ट्रांग है। आप इसलिए इसको ऐसा घुमा के फिर इसके अंदर हॉल के अंदर बिठा देना है। अभी देख लीजिए ये ऑलमोस्ट बैठ चुका है। उसके बाद में जो इसका लॉक आता है वो डालना है, इसका लॉक डाल दिया है। तो अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, तो इसको स्प्रिंग को बस रोटेट करने के लिए ऐसा घुमाना है पूरा ये धागा इसके ऊपर बिठा के, अभी वापस इसको घुमाना है ऐसा, इसको पूरा बाहर खींचना है, फिर अंदर से ऐसा खींच के इसको वापस टाइट करना है इस तरह से। टाइट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया ठीक ऑलमोस्ट। उसके बाद में ये जो दो पार्ट्स है इसको इसके ऊपर रखना है, एक यहाँ पे रखना है इस तरह से, उसके बाद में ये इसके ऊपर रखना है और देन ये जो ग्रू है उसके अंदर बिठाना है। यहाँ पे लॉक देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि ब्लेड रोटेट होता है या नहीं। तो इसका चॉपर है, इसको जल्दी से फिट कर देंगे, देन रोटेटिंग। तो देख लीजिए कंप्लीट चॉपर रिपेयर वो हो चुका है। एंड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपसे ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखना है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। We'll be right back.